सो भाई जियो ने सबसे पहले इंडिया का सबसे सस्ता फाइबर इंटरनेट प्लान लॉन्च किया, व्हिच इज 198 रुपीज पर मंथ, जहां पर आपको 10 Mbps का स्पीड विद अनलिमिटेड डेटा के साथ मिल रहा था एंड ऑल्सो आप अनलिमिटेड कॉलिंग भी कर सकते थे। एंड एयरटेल कैसे पीछे रहा था, एयरटेल ने भी अपने सबसे सस्ता फाइबर इंटरनेट प्लान लॉन्च किया जो कि था 199 रुपीज पर मंथ। यहाँ पर आपको 10 Mbps का स्पीड एंड अनलिमिटेड डेटा भी मिलता विथ कॉलिंग अनलिमिटेड। आज हम इन दोनों के प्लान्स के कंपैरिजन करने वाले हैं एंड अगर आपके एरिया में दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है तो आपको कौन सा लेना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। एनीवेज के पहले भी मैंने दो वीडियो इसके बारे में बना चुका हूँ जहां पर मैं डिटेल्स में सारी चीजें मेंशन किया था, फिर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे डाउट है, आज वो सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। सो पहले बात, ये दोनों ही प्लान भाई पोस्टपेड प्लान है एंड दोनों ही प्लान आपको 5 मंथ के लिए ही रिचार्ज करना पड़ेगा, कोई भी 1 मंथ के लिए रिचार्ज नहीं है इसका एंड भाई जीएस के साथ ही आपको पे करना पड़ेगा। यानी अगर आप जियो के साथ जा रहे हैं तो 198 × 5 990 रुपीस एंड उसके ऊपर 18% का GST देना पड़ेगा यानी 1168 रुपीस। एंड अगर फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करा रहे हो तो 500 रुपए का नॉन रिफंडेबल इंस्टॉलेशन चार्जेस भी देना पड़ेगा, टोटल 1668 रुपीस पे करना पड़ेगा, जिसके अंदर 10 Mbps का स्पीड विद अनलिमिटेड डेटा एंड ऑल्सो एक लैंडलाइन नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसे जियो के जियो कॉलिंग ऐप के थ्रू भी यूज कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में, अदरवाइज आप एक लैंडलाइन खरीद सकते हो जो कि बहुत ही सस्ते में आ जाता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हो एंड उस लैंडलाइन को राउटर के पीछे लगा के आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हो कोई भी लोकल एंड STD में। बट यहाँ पर जो अनलिमिटेड डेटा था उसमें एक कैच था, हालांकि जितने भी सारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स है उनके एक डेटा कैप होता है जो कि हाई स्पीड डेटा कैप होता है एंड उसके बाद 1 Mbps पे कन्वर्ट हो जाता है एंड वो हाई स्पीड डेटा कैप यूजुअली 3300 GB का होता है जो कि ह्यूज होता है। एनीवे यहाँ पर जियो ने तो अनलिमिटेड मेंशन किया है यानी यहाँ पर 3300 GB होना चाहिए था बट ये है नहीं एंड ये जियो ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने इसे लगवाया है एंड बहुत सारे लोगों ने यही बोला है ये 1000 GB पर मंथ के हिसाब से आता है अगर आप 198 रुपीस का प्लान ले रहे हो तो, यानी आपको मंथली 1000 GB ही मिलेगा, उसके बाद आपका स्पीड जो है 1 Mbps में कन्वर्ट हो जाएगा। बट 1000 GB इज इनफ अगर आप 10 Mbps के हिसाब से देखो, बट एयरटेल फाइबर के लिए ये 3333 GB ही है। सो अब बात कर लेते प्लान के बारे में। सो एयरटेल फाइबर का जो प्लान था वो था 199 रुपीस का एंड यहाँ पर भी आपको 5 मंथ के लिए ही रिचार्ज करना है यानी 199 × 5 995 रुपीस एंड उसके ऊपर 18% GST लगाना है यानी 1174 रुपीस एंड यहाँ पर भी आपको 500 रुपीस का नॉन रिफंडेबल चार्जेस पे करना है फॉर इंस्टॉलेशन, एक बार ही पे करना है फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के टाइम, तो टोटल हो जाएगा 1674 रुपीस। जियो में टोटल चार्जेस था 1668 रुपीस एंड एयरटेल में टोटल चार्जेस हुआ 1674 रुपीस यानी 6 रुपीस एक्स्ट्रा फ्रॉम जियो, सारे चीजें यहाँ पर सेम मिलेंगे यानी 10 Mbps का स्पीड, अनलिमिटेड डेटा जो कि बोला जाता है बट जियो में 1000 GB, यहाँ पर आपको 3333 GB पर मंथ एंड लैंडलाइन नंबर फॉर कॉलिंग एंड एयरटेल में भी आप एक लैंडलाइन खरीद के राउटर के पीछे लगा के अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हो। नाउ यहाँ पर स्पीड के बारे में बहुत लोगों ने बोला था कि ये जो 10 Mbps स्पीड है एक्चुअली 1.25 Mbps है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो भाई मोबाइल पे आपको जो स्पीड दिखता है ना यानी सिग्नल के बाजू में जो आपको स्पीड दिखता है वो आपको मेगाबाइट पर सेकंड में दिखाता है यानी MBPS, जहां पर बी कैपिटल होता है एंड जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है फाइबर इंटरनेट हो गया एंड अदर इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो आपको केबल इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो मेगाबिट पर सेकंड में आपको दिखाता है। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेगाबाइट पर सेकंड एंड मेगाबिट पर सेकंड जो कि है 1 MB पर सेकंड इज इक्वल टू 8 MB पर सेकंड यानी 1 byte इज इक्वल टू 8 bit। सो यहां पर अगर आप कैलकुलेशन करो तो 10 Mbps यानी छोटा बी मेगाबिट पर सेकंड इज इक्वल टू 1.25 मेगाबाइट पर सेकंड यानी 10/8। ओके, सो यही स्पीड अगर मोबाइल स्पीड के साथ आप कंपेयर करोगे तो एक्चुअली में यहां पर आपको 1.25 Mbps मेगाबाइट पर सेकंड मिलने वाला है। इसके पहले अगर आप ओनली मोबाइल के इंटरनेट यूज किए हो तो ये दिमाग पे आप थोड़ा सा रख लो कि ये 1.25 Mbps जैसा ही है, बट दिस इज बेटर देन द मोबाइल नेटवर्क। अगर 1.25 Mbps आपको फाइबर में मिले व्हिच इज फार बेटर देन मोबाइल नेटवर्क, क्यों मैं बताता हूं, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क पे ना सिग्नल कहीं पर ज्यादा मिलता है, घर के किसी कोने में सिग्नल कम मिलता है, इसलिए आपको बहुत सारा फ्लैक्चुएशन देखने के लिए मिलता है स्पीड में, कभी आपको KBPS में मिलता है स्पीड, कभी आपको Mbps पे स्पीड मिलता है। मोबाइल नेटवर्क का अपलोड स्पीड एंड डाउनलोड स्पीड कभी भी सेम नहीं होता, पिंग भी हाई मिलता है, इसलिए आपका स्पीड में बहुत ही ज्यादा फ्लैक्चुएशन मिलता है। बट फाइबर ऑप्टिक्स के जो इंटरनेट है वो आपको फाइबर केबल के
थ्रू आपके घर में पहुंचाया जाता है। इसलिए सिग्नलिंग का कोई मैटर यहाँ पर नहीं है, आपको पूरा दिन कॉन्स्टेंट स्पीड मिलेगा एंड अपलोड स्पीड एंड डाउनलोड स्पीड दोनों ही ऑलमोस्ट सेम रहता है एंड ऑल्सो पिंग भी आपको बहुत ही कम मिलता है। इसलिए फाइबर ब्रॉडबैंड आपको एक कॉन्स्टेंट स्पीड प्रोवाइड करता है। आई होप 1.25 एमबीपीएस का स्पीड आप सभी लोगों ने फोन पे यूज करके रखे हो। आप बोलोगे इस स्पीड में कौन सा 4K चलने वाला है, तो भाई ऐसा है नहीं। अगर आप सिंगल डिवाइस यूज कर रहे हो, मानो आप फोन में 4K चला रहे हो, तो ऑब्वियसली इस स्पीड में आप 4K स्ट्रीम कर सकते हो। थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा फास्ट, बट थ्रू आउट आपको स्मूथली स्ट्रीम करके देगा इसी स्पीड में। अगर आप फुल एचडी चला रहे हो, मानो आपके पास एक टीवी है जिसमें आप फुल एचडी चला रहे हो, तो उसके साथ साथ फोन में भी आप फुल एचडी चला सकते हो स्मूथली। अगर आप 2 से 3 डिवाइस कनेक्ट करोगे तो भाई थोड़ा सा बफरिंग बढ़ने लगेगा। चाहो तो आप कितने भी डिवाइस कनेक्ट कर लो, बट जैसे जैसे आपका डिवाइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका बफरिंग बढ़ता जाएगा एंड कोई 2 डिवाइस में फुल एचडी चल रहा है तो बाकी सारे डिवाइस में अटकने लगेगा एंड बफरिंग भी होने लगेगा। ये तो था जियो का 198 एंड 199 का एयरटेल का बेसिक फाइबर इंटरनेट प्लान। इसके साथ और भी 2 प्लान जियो ने लॉन्च किया था और भी 1 प्लान एयरटेल में लॉन्च किया था, जो कि है इसका OTT एंड TV चैनल को लेके। जहां पर जियो में आपको जियो फाइबर के 4K सेट टॉप बॉक्स फ्री में मिलता था एंड एयरटेल में एयरटेल एक्सट्रीम का HD बॉक्स भी आपको फ्री में मिलता था, बट जियो में इसके लिए 2 रिचार्जेस लाया गया था जो कि है ₹100 एंड ₹200। अगर आप ये 198 के साथ ₹100 एक्स्ट्रा देते तो आपको 6 OTT ऐप के साथ करीब 400 TV चैनल्स देखने के लिए मिलता। इसके साथ आपको एक सेट टॉप बॉक्स भी फ्री में दिया जाता एंड अगर आप ₹200 एक्स्ट्रा दोगे तो सेट टॉप बॉक्स के साथ आपको 14 OTT ऐप एंड 550 TV चैनल्स भी मिलेगा। बट एयरटेल में ₹100 एक्स्ट्रा वाला कोई प्लान नहीं लाया गया, यहाँ पर ₹200 एक्स्ट्रा वाला प्लान लाया गया जहाँ पर टोटल अगर आप ₹399 दोगे तो यहाँ पर आपको 350 प्लस TV चैनल्स मिलेंगे। बट यहाँ पर OTT का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। अगर OTT मिल भी रहा होगा तो बहुत ही अच्छे खासे कोई OTT मिल नहीं रहा होगा यहाँ पर एयरटेल में। लास्ट टाइम बहुत लोगों ने TV चैनल्स के बारे में पूछा था, यानी कौन सा TV चैनल्स मिलता है, तो इसका एक लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे डाल दूंगा। उसी लिंक पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हो कौन सा TV चैनल जियो फाइबर के लिए एंड एयरटेल फाइबर के लिए मिलता है। बट एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आप जियो फाइबर के साथ जा रहे हो तो ₹100 एक्स्ट्रा वाला यानी 298 वाला जो प्लान है उसमें आपको जो चैनल्स मिलते हैं 400 चैनल्स उसमें से ज्यादातर फ्री चैनल्स रहते हैं एंड बहुत ही महंगा वाला जो चैनल्स है वो वहां पर नहीं मिलता है। एंड जो भी पेड चैनल होता है वो OTT के थ्रू मिलता है, यानी OTT के थ्रू जो भी चैनल्स लिंक होता है वो सारे चैनल्स ही देखने के लिए मिलता है। सो मेक श्योर कि आप ₹100 से ज्यादा ₹200 एक्स्ट्रा वाला प्लान में जाओ ताकि आपको बहुत ही ज्यादा चैनल्स मिल सके जो कि हाईली पेड चैनल्स होते हैं एंड उसके साथ साथ OTT भी आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सो ये था कुछ प्लान्स का डिटेल्स। तो आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। 2-4 क्वेश्चन आई नो आपके मन में होंगे, जस्ट लाइक ये पोस्टपेड है तो कैसे बिलिंग होगा। तो भाई बिलिंग इसका 5 मंथ का ही होगा एंड 5 मंथ खत्म होने के बाद नेक्स्ट 5 मंथ का एडवांस आपको पे करना है, जो कि होगा फॉर जियो फाइबर ₹1,168 एंड फॉर एयरटेल फाइबर ₹1,174। सो जियो फाइबर में और एक ऑप्शन अवेलेबल है जो कि है स्पीड बूस्टर का। अगर किसी दिन आपको लगे कि आज हमें थोड़ा सा ज्यादा काम है, आज थोड़ा सा ज्यादा स्पीड चाहिए, तो उस दिन आप अपने जरूरत के हिसाब से अपना स्पीड 10 Mbps से 30 Mbps एंड 100 Mbps तक बूस्ट कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट होता है ₹21 पर डे के हिसाब से एंड आप अपना स्पीड 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या फिर 7 दिन के लिए बूस्ट करा सकते हो। तो स्पीड बूस्टर का मैं यहाँ पर प्लान भी आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको 1 डे यानी 24 आवर्स के लिए करना है 30 Mbps पे तो आपको ₹21 देना है, 100 Mbps पे करने के लिए ₹32 पे करना है, सेम 2 डेज के लिए करना है तो ₹31 एंड ₹52 एंड 7 डेज के लिए करना है तो ₹101 फॉर 30 Mbps एंड 100 Mbps के लिए ₹152 आपको पे करना है। एंड ये सबका एक डेटा कैप है जो कि है 50 GB पर डे एंड 50 GB खत्म होने के बाद आपका स्पीड अगेन 10 Mbps पे आ जाएगा। बट ये चीज आपको फिलहाल एयरटेल में देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको एयरटेल में 10 Mbps में खुश होना पड़ेगा। दोनों ही प्लान पोस्टपेड है तो बिल जनरेट होगा, अगर आप बिल पे नहीं कर रहे हो टाइमली तो आपका लेट फाइन कटेगा नेक्स्ट बिलिंग में। एंड तीसरी चीज है ये न्यू यूजर के लिए है, सो आप अगर एग्जिस्टिंग यूजर हो तो आप इन दोनों प्लान का ही सुविधा नहीं उठा सकते। बट अगर आपको कभी लगे कि मैं 198 से स्विच करना चाहता हूँ ₹399 में या फिर उससे भी ज्यादा ऊपर, तो आप इजीली स्विच कर सकते। राउटर वगैरह सब आपको फ्री में मिलेगा, डुअल बैंड का राउटर आता है, काफी अच्छा राउटर का रेंज होता है, बट कॉलिंग के लिए जो लैंडलाइन है वो आपको ही खरीदना पड़ेगा। ओके, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट रहे, सवाल रहे, सजेशन रहे, यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर इट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।